हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिलिंद जोनवाल और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी इमेज की क्वालिटी लूज करे बिना उसको रिसाइज कर सकते हो। आप उसे चाहे तो लार्ज कर सकते हो और मीडियम और स्मॉल जैसा चाहे आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर बात करें, ये वीडियो यूट्यूबरों के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि कहीं यूट्यूबर ऐसे क्रिएटर होते हैं जो एक थंबनेल को 10 MB का बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर यूट्यूबरों की बात करें, तो अगर थंबनेल की साइज 2 MB का होता है और वो 10 MB की फ़ोटो बना देते हैं, जिससे उन्हें अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप उस फोटो को इजीली इससे कंप्रेस करके 10 MB की इमेज को कंप्रेस करके इजीली आप उसे 100 KB का बना सकते हो। तो दोस्तों, ये यूट्यूबरों के लिए भी है और आप चाहे तो इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं DSLR कैमरे और कहीं ऐसे मोबाइल्स जो 5-5 या 10-10 MB की फ़ोटो कैप्चर करते हैं, आप चाहे तो 5-5 या 10-10 MB की फ़ोटो को आराम से रिसाइज करके और आराम से उसे कंप्रेस किया जा सकता है, और आपको उसके लिए सिर्फ एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको आज ऐसी दो वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो उससे पहले आप अपना एक गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी अदर ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, सेम ऐसे ही आप सेम इसी पर्पज़ में भी उसी ब्राउज़र में ओपन करें। तो दोस्तों, अगर बात करें पहली साइट की, तो पहली साइट का नाम है imageoptimizer.net। तो दोस्तों, स्पेलिंग पे खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं imageoptimizer.net, स्पेलिंग पे दोस्तों खास करके ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इमेज ऑप्टिमाइज़र इमेज है जो हमारी ओपन हो गई है, ये साइट ओपन हो गई है। ये दिखने में सिंपल है, इजीली है। अगर आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप इसे इधर से इसका सॉफ्टवेयर भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे डाउनलोड लिखा पड़ा है। पर दोस्तों, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, कौन अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन ही होती है, एडिटिंग भी ऑनलाइन ही होती है। तो दोस्तों, आपको अगर कंप्रेस करना है, आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज नाउ, इधर एक चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और अपनी फाइल जो है चूज़ करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फाइल चूज़ कर लेता हूँ, जैसे अब मैं आपको दिखला देता हूँ, मेरे पे कोई इमेज है, मैं आप इधर वॉलपेपर में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पे एक इमेज है जो करीब 500 KB की है। तो जैसे मैंने उसे अपलोड कर दिया है, तो अब एक आ जाता है इधर, एक नीचे ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे क्वालिटी। आप इधर चाहे तो क्वालिटी कैसी भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इसे रिसाइज करना है या आप इसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, आप चाहे तो इसकी क्वालिटी हाई भी कर सकते हो। अगर आपकी फ़ोटो 10 MB की है तो आप उसे 100 MB की और ज़्यादा क्वालिटी बढ़ा भी सकते हो। पर हमें तो दोस्तों इसे कंप्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास डाटा की मेमोरी कार्ड में डाटा बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसे कंप्रेस करना चाहेंगे। तो हम इधर वेरी स्मॉल फाइल साइज यहाँ पे लिखा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है, और आप चाहे तो इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हो। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक करना है और आपको जो इमेज है कुछ ही सेकंडों में जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फाइल जो है ऑप्टिमाइज होके हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो पूरी तरह से कंप्रेस हो गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उसका ओरिजिनल जो साइज था 459 KB का था, और मैंने इसे नॉर्मल में 455 KB का कर लिया। तो दोस्तों, आप चाहे तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे, आप सारे चेक करके देख सकते हो कि किस में सबसे ज़्यादा कम KB का जो है हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से इधर से डाउनलोड टू योर कंप्यूटर कर सकते हो और आपकी जो है फ़ोटो इजीली डाउनलोड हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो दूसरी साइड है, जो 32 MB की फ़ोटो को 1 MB में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल साइट है, जिसका नाम है कंप्रेस इमेज। तो आप स्पेलिंग पे ध्यान जरूर रखना। तो आप देख सकते हैं compressimagejpg.com। तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा पड़ा है compressjpg.com, और आप इधर एंटर कर दीजिए। ये भी साइट बड़ी अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं ये साइट ओपन हो चुकी है। सिंपली ये साइट बड़ी देखने में इजी है और आप इसे आराम से जो है यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यही मेरी फ़ोटो आ गई है, जैसे मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी फ़ोटो है जो अपलोड हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज चल रहे हैं। यहाँ पे से अपलोड होने के बाद दोस्तों, आपको यहीं पे जो है आपकी फ़ोटो रिसाइज करके जो है मिल जाएगी।
रिसाइज दोस्तों मतलब कंप्रेस करके मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फ़ोटो है वो पूरी तरीके से जो है 100% हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ़ोटो कंप्रेस हो रही है और वो कंप्रेस हो गई है, वो 31% जो है कंप्रेस हो गई है। तो आप इसे ईजिली इधर से डाउनलोड कर सकते हो और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फ़ोटो जो है डाउनलोड हो गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी कोई भी इमेज जो है कंप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरीडे न्यू वीडियोस अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली एक्साइटेड वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।